पत्रकार एक देश का चौथा स्तंभ होता है, जो जनता के पास रखने का काम करता है। और वैसे व्यक्ति पर अगर हमला करना केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज चौथा स्तंभ नहीं रहता तो जनता को पता नहीं चलता। आज इन लोग केंद्र में बैठे हुए सरकार, इन लोगों का मनसा है जो पत्रकार सही से दिखाता है उसको एन पेन प्रकरण हमला करके या उन पर जांच करके उनको अंदर उनको गिरफ्तार करना और उनको परेशान करना इन लोग का। क्योंकि अभी एनडीए का इंडिया का सरकार इंडिया गठबंधन बन गया है, इन लोग चाह रहा कि ऐसे पत्रकार लोग को धमका दे और हम लोग के विरोध में पत्रकार नहीं दिखाए, इस तरह का काम ये कर रहा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं केंद्र सरकार का, अगर पत्रकारों पर इस तरह का हमला कर रहा है तो इसकी कड़ी निंदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस सरकार को वो भी समझना चाहिए, केंद्र सरकार को, कि पत्रकार जो है एक चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ को देश के अंदर अपना अधिकार है कि हर चीज़ को बताने का दिखाने का, ये चौथा स्तंभ है, उनका जो स्वतंत्रता है उनको अगर लगाम लगाने का काम करेगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। जितना भी निंदा किया जाए कड़ी शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। हम लोग का हिसाब से पत्रकार निष्पक्ष रहता है और दुनिया का जो दुनिया में जो घटना घटती है वो आज़ादी से सबको दिखाता है, उसको आज़ादी रहना चाहिए। उनको ऊपर अगर पाबंदी लगाता है तो देश में लग रहा है एनडीए सरकार को खतरा लग रहा है, इसीलिए पत्रकार लोग को डांसने खोज रहा है। और ऐसे में कुछ होने जाने का नहीं है, पत्रकार का कुछ नहीं होगा और हम लोग ऐसा जो घिनौना काम कर रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं।